तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। मुझे बिजनेस के लिए पैसे मिल जाएंगे और साथ में घर भी। लेकिन आई एक बात का ख्याल रहे, वो घर सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम पे होना चाहिए, ताकि आगे चलकर उस घर पर सिर्फ हमारा हक रहे। तो करना ही होगा। उस वल्लू कैसे नखरे चेले हैं मैंने, इतनी जी हुजूरी की है। अरे कीमत तो वसूल करनी होगी ना मुझे। पढ़ाई का ही मन मान लो तुला, मान लो। थैंक यू। क्या चाल चली तू। कितने सलीके से सविता के सामने तुमने हमारी गरीबी प्रोजेक्ट की। वाह। वंदु की दुखियारी इमेज उनके सामने रखी। वाह। और आखिरकार घर हथिया ही लिया। अजीत, अभी तूने देखा ही क्या है, जो सविता नाम की मुर्गी है ना, उससे मैं कई ऐसे सोने के अंडे उगलवाऊंगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तेरे बिजनेस के लिए जो पैसे दिए हैं ना उन्होंने, वो बिजनेस के लिए ही खर्चे करना, कहीं रेस वेस के लिए खर्च मत करना। अरे नहीं नहीं आई, तू चिंता मत कर, और खर्चा कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। अरे आमिर साला बैठा है ना उधर मुझे फाइनेंस करने के लिए, क्यों? तू ना, तू कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन आई सच कहूं, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हमारे मर्जी के मुताबिक और इतने जल्दी हो रहा है। हमारी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आ रही हैं। अजी आई बताइए ना, मैं कैसी दिख रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच में बंधु, तुझे ना किसी की नजर ना लगे। लेकिन आई ये क्या, मैं तैयार हो गई, मुन्नी भी तैयार हो गई, और आप दोनों तैयार नहीं हुए। चलिए चलिए, जल्दी से तैयार हो जाइए आप दोनों भी। अरे मुझे कितना टाइम लगता है, बस आई तू जल्दी से तैयार हो जा। अरे मेरा क्या है, आज मेरी बहू ने मुझे इतनी खुशी दी है ना, मैं आम साड़ी पहनूंगी ना तो भी खास लगूंगी, है ना? तू जा तैयार हो जा। आई आज कितने दिनों के बाद अजीत कितने खुश नजर आ रहे हैं ना, और उन्हें इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। ये सब गणपति बप्पा की कृपा है। बप्पा हमारे घर में खुशियाँ ऐसे ही रहे। वैसे ये साड़ी ठीक लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। और ये इयररिंग परफेक्ट नाइस ना? मैं क्या लगाऊं यार, सीरियसली मुझे समझ नहीं। जल्दी तैयार हो जाओ। और कहाँ गया? क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? मेरे इयररिंग की पेच गिर गई है, पता नहीं कहीं मिल नहीं रही है। वैसे ढूंढना, ये ले, ये रहा। अरे मानव पे क्या करे, मानव प्लीज, मानव पे क्या करे, मानव प्लीज छोड़े ना, पे क्या करे मानव, घर में इतने सारे लोग हैं, कोई देख ले कमाल। ये इतने सारे लोगों से ही प्रॉब्लम, घर में जब इतने सारे लोग आते हैं ना तो मुझे सबसे कम टाइम देते। 24 घंटे मैं तुम्हारे छत के नीचे रहता हूँ तो मुझे 24 मिनट नहीं दे सकती? हाँ, और मैं सबको क्या बोलूँ कि भाई मेरी बीवी के साथ 2 मिनट मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ बात करनी है, कुछ अच्छा सा पल बिताना है, क्या बोलूँ इनको? अरे लेकिन मानव क्या पल, मतलब ये सब तो हमारे ही है ना मानव, अब इनके सामने आप मुझे कुछ बोल देंगे तो कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा? बात करनी है यार मुझे। मतलब क्या बात करनी है आपको? बात नहीं करनी मतलब लेकिन पल दो, अच्छे पल बिताना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पति घर में आता है तो वो पत्नी से एक्सपेक्ट करता है कि 2 पल ऐसे बिताए कि उसकी सारी थकान मिट जाए। तुम समझ नहीं रही? मैं समझ गई। तो समझ गई? हाँ, आपको 2 पल चाहिए ना? हाँ ठीक है, मैं आपको 2 पल देती हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। चलिए पक्का? हाँ बोलिए, आपको इन 2 पलों में क्या क्या करना है? आज के दिन का ये 2 पल सबसे खूबसूरत होने वाला है। रेडी? या। सॉरी सॉरी ताई। सॉरी जीजू। जीजू मुझे लगता है अब आपको बड़ा घर खरीद ही लेना चाहिए, ताकि आप अलग से अपनी बीवी के साथ 2 सुकून के पल बिता सके, और वहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा, राइट वैशु? करेक्ट। अरे मैं ऐसे मत बोल। ताई तू बहुत लकी है, सीरियसली।
इतने साल हो गए तेरी शादी को, फिर भी तेरे रिश्ते की ताजगी अभी भी कम नहीं हुई। वही प्यार, ये रोमांस। अरे बाबा, मैं जोक नहीं कर रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। यहाँ एक जीजू है जो तेरे बगैर रह नहीं सकते, और वहां मेरा पति देव जो एक ही घर में रहकर मेरे साथ अजनबी की तरह पेश आता है। ब्लू साड़ी पहनती हूँ ना तो कहते हैं पिंक रियली सूट्स यू। वैशु, चल ये तो ठीक है, तेरा पति नोटिस तो करता है कि तूने कुछ नया पहना है। एक मेरा पति है वो मुझे को भूल जाता है। हम दोनों साथ में जाते हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए, एक वो है मुझे वहां पर अकेला छोड़कर खुद घर पर चलाता है। लेकिन सीरियसली बता ना, तेरी इस हैप्पी मैरिड लाइफ का राज क्या है? कैसे तूने अब तक जीजू को अपने पल्लू से बांध कर रखा है? हाँ, अब तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो। मानव देखिए ना क्या बोल रही है दोनों। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे जीजू? आप दोनों यही रुकिए, हम दोनों जा रहे, अपना रोमांस कंटिन्यू कीजिए। और हम दोनों आप बाहर में पहरेदारों की तरह खड़े रहेंगे, किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है? अरे क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम खुद अपने कपड़े बदल सकते हो, है ना? तो फिर आई सोहम को कपड़े क्यों बनाती है? सोहम तुमसे कितना छोटा है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम वापस छोटे बनना चाहते हो या अपने पापा जैसे बड़े बनना चाहते हो? नहीं, मुझे बाबा की तरह बड़ा बनना है। जीजू, आपके दो पल इतने जल्दी खत्म हो गए? ये क्या बात कर रही है, कौन से दो पल? वो एक्चुअली, अरे छोड़ो, तैयारियां सब हो गई, अभी मेहमान आने चालू हो जाएंगे। रसिका ताई, अजीत, वंदु, मेरी मुन्नी, और मैंने ना तीन चार पड़ोसियों को भी बुलाया है। खाना कम तो नहीं होगा ना? नहीं आई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ए, चलो चलो उसको लेके जाओ, जाओ, आवाज मत करो। आइए आइए रसिका ताई, नमस्कार। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मस्त। वो हम थोड़ा सा लेट हो गए। एक्चुअली क्या हुआ, वो बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो गई ना, तो चलता है हर फंक्शन में चीफ अतिथि हमेशा लेट आते। जन्मदिन की बहुत बधाइयां। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। जन्मदिन मुबारक। थैंक्स। चलो चलो सब इकट्ठा हो गए, खाना खाने जाते हैं, चलो। आई एक मिनट, खाना खाने से पहले मैं अजीत को कुछ देना चाहता हूँ। रुकिए माँ,
अर्शा एक सेकंड मां, ये अजीत को आप कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं? अजीत के लिए तो मैं एक अच्छे गिफ्ट लेकर आई। एक मिनट, ये लो अजीत, ये तुम्हारे लिए मिठाई। ये भी लो, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई आपको। ये पैसे मेरे बेटे के हैं और वो अपनी बहन को दे रहा है। तू कौन होती है टांग अड़ाने वाली? चल, चेक दे दे उसको। नहीं आई, मैं ये चेक अजीत को नहीं दूंगी। सर, ये तुम क्या कर रहे हो? हम लोगों ने तय किया था ना कि हम लोग अजीत को पैसे देंगे, फिर ये सब क्या? मानव, आप शायद भूल रहे हैं, हमने यही डिसाइड किया था कि हम अजीत को सिद्धि विनायक का प्रसाद और ये शॉल देंगे। अर्चना, तू पागल हो गई क्या? हमने क्या तय किया था? क्या तय किया था कि अजीत को हम उसके बिजनेस के लिए एडवांस देंगे और घर का एडवांस देंगे और सबके सामने तू माफी मांगेगी। हाँ, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं गलत हूं, लेकिन अब मुझे लगता है मैं कहीं गलत नहीं हूं। अजीत को मैं ये पैसे नहीं दे सकती। ए, मुझे एक बात बोल, ये सब तय करने वाली तू कौन होती है? ये पैसे मेरे बेटे के हैं और वो अपनी बहन को दे रहा है। तू कौन होती है टांग अड़ाने वाली? चल, चेक दे दे उसको। नहीं आई, मैं ये चेक अजीत को नहीं दूंगी। अरे मानव, ये सब क्या हो रहा है? अरे तुझसे पूछने के बाद ही सब तय हो गया था ना, इसलिए मैंने ये पार्टी रखी थी ना, और घर आए मेहमानों की बेइज्जती कर रही है तेरी बीवी। बेटा, अजीत अपना दामाद है, उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना हमारे लिए अच्छा नहीं है बेटा। एक मिनट। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? अरे हम लोगों ने तय किया था ना कि हम लोग अजीत को पैसे देंगे, चेक देंगे, ये सब क्या है? सर, तुम बेइज्जती क्यों कर रही हो अजीत की? नहीं माना, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। बस हो गया, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। वाह सविता तई, वाह, घर बुलाकर अच्छी खातिरदारी कर रही है आप। ये आपकी लाडली बहू है ना अर्चना, वो हमारा कभी भला नहीं चाहेगी, उसे तो मौका चाहिए हमें नीचा दिखाने का। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्यों इतनी बड़ी साजिश रचाई आपने हमारे खिलाफ? आपने हमें यहाँ बुलाया हमारी बेइज्जती की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समझे आप? चल बंधु, चल अजीत, अब हम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। हर हालात में आपका साथ दिया, अच्छे हो या बुरे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ा।
आपको हमेशा मैंने अपनी बड़ी बहन की तरह माना, बड़ी बहन की तरह आपको इज्जत दी। आपकी वजह से मैंने अपने पति से, अपनी सास से झगड़ा किया, पर आपने उसके बदले मुझे क्या दिया? अपमान? अगर आपको पैसे देने ही नहीं थे तो आप साफ साफ इनकार कर देती। ये सब नाटक करने की आपको क्या जरूरत थी? मैंने आज आपने जो कुछ भी किया है ना, मैं नहीं जानती ये सब क्यों किया, लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से आज मेरा बहुत दिल दुखा है भाई। आज जब मैं यहाँ के बाद घर जाऊंगी ना, तो मुझे पता नहीं कितने सारे ताने सुनने पड़ेंगे, कितनी सारी बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन मैं सब सह लूंगी, सब सह लूंगी। लेकिन आज के बाद जिंदगी भर तक मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। दादा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है ना, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। वंदो रुक, जिस घर में मेरी बेटी का अपमान होता है उस घर में मैं कभी नहीं रहने वाली। मैं तेरे साथ आ रही हूँ। नहीं आए, तू कहीं नहीं आ रही मेरे साथ, ये घर तेरा है और तू यहीं रहेगी, तुझे मेरी कसम। नहीं बेटा, रसिका ताई अजीत तुझे मारेंगे। आई, तुझे अपनी बेटी पर भरोसा है ना, तू चिंता मत कर, मैं मार सह लूंगी आई, क्योंकि मार विश्वासघात के दुख से तो बहुत कम ही होगी। आज यहाँ सबके सामने अजीत की बेइज्जती हुई है, उसका भुगतान तो मुझे करना ही होगा आई, करना ही। जाने दो, चल। आई मेरी तुम अच्छा नहीं कह रही। आनव, मेरी बात समझने की कोशिश। आनव, ये सब जानबूझ के किया हूँ। अगर चेक देना ही नहीं था तो यहाँ बुलाकर तमाशा करने की जरूरत क्या थी? ऑटो, ऑटो। अजीत, अजीत रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। बंधु, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम अपने घर वालों की तरफदारी करना बंद करो। देखो, उन्होंने जो करना था कर लिया, अब मुझे जो करना है मैं करूँगा। हाँ, लेकिन मैं उनकी तरह बेशर्म नहीं हूँ कि यहाँ तमाशा खड़ा करूँ। मैं आना है तो चलो, वरना चले। अरे वंदु, अजीत, अरे मत जा बेटा। वंदु चलो। हाय। मुन्नी निकलो। चलो भैया। अजीत, तू वंदु। अरे रुको ना। अजीत तो बहुत गुस्से में दिख रहा है और रसिका ताई को भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं दोनों वंदु के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अब मुझे वहां जाकर उन्हें शांत करना होगा, समझाना होगा। अर्चना की गलती अब मुझे जाकर सुधारनी होगी। ऑटो, ऑटो। क्या पागलपन है? क्या किया तुमने? अजीत से जिससे चेक क्यों लिया तुमने? माना, ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं किया,
आपने जो कुछ देखा वो सिर्फ एक झूठ था, एक नाटक था। क्या नाटक? मानव एक्चुअली मैं वंदिता को पैसे देना चाहती हूँ, लेकिन अगर हम पैसे देते थे तो अजीत और रसिका ताई की चाल कामयाब हो जाती। अब और कौन सी चाल? मानव, अजीत जिस कंपनी में अपने बिजनेस के लिए पैसे लगाना चाहता है वो कंपनी एक फ्रॉड है। मानव, अभी तक उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। अगर अजीत उस पे पैसे डालेगा तो सारे पैसे डूब जाएंगे। मानव, मुझे नहीं पता ये बात अजीत को पता है या नहीं, लेकिन अगर उसे पता है तो इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं। उसे सिर्फ अपने पैसे अयाशियों में उड़ाने और कुछ नहीं। मानव, वो वंदिता का इस्तेमाल कर रहा और कुछ नहीं। और यही बात पूछने के लिए मैं अजीत के पास गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने अजीत और रसिका ताई की सारी बातें सुन ली। तुझे बिजनेस के लिए जो पैसे दिए ना, वो बिजनेस में ही खर्च करना, रेस वेस में मत उड़ाना, समझा? नहीं नहीं, तू चिंता मत कराई। और अगर थोड़ा बहुत खर्चा भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा आमिर साला बैठा ना वहां मुझे फाइनेंस करने के लिए, क्यों? तू ना, तू कभी सुधरेगा नहीं। ना, इसीलिए मैं जब घर आई तो मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरी बात का कौन विश्वास करेगा? एक बार आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन आई बिना सबूत के मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन जब चेक की बात आई तो मैं चुप नहीं रह पाई। मानो मेरे पास सबूत नहीं, इसका मतलब मेरी आंखों के सामने कुछ भी गलत होता रहा, ये मैं कैसे सह लूं? मैंने ये सब कुछ बंधु के लिए किया। मानो अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं कहीं गलत हूं तो वो रखा चेक जाइए और दे दीजिए वंधु को। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर कल को कुछ भी गलत हुआ वंधु के साथ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अच्छा क्या तुमने ये बात सबके सामने नहीं बोली? ये तो वंधु के साथ क्या करते पता नहीं। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। अनु प्लीज थैंक यू मत कहे। अनु, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर लग रहा है। मानो मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन इसका गलत असर आई पर हुआ है और वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं आई को संभालूंगा, लेकिन उससे पहले शायद आई बाहर गई होगी, चले चल के ढूंढते हैं। नहीं, तुम बच्चों का ख्याल रखना, हम चलते हैं। आ जाओ। चुप करो। और खबरदार, मुंह से एक शब्द निकला दो, मुझे समझाने का नाटक मत करो। तुम चुप करो, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ गया हूँ। पहले बेइज्जत करो और फिर नमक छिड़काने के लिए हमदर्दी जताओ। मुझे छोड़िए, मुझे देख रही है वो डर जाएगी। बेटा नहीं नहीं रोते, देखो मम्मा आए ना यहाँ पर, आप अंदर जाके सो जाओ, अब मारते हैं। अजीत ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, वैसे कह रहे हैं। अरे ऐसा ही है बंदू, ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों लोग पैसे नहीं देने वाले? क्यों नहीं बताया मुझे? बंदू, ये बेइज्जती मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे पता है, मुझे मालूम है, अर्चना ये सब मंजू दाई का बदला लेने के लिए कर रही है। से उसकी सजा मिलेगी, याद रखना। तो अजीत ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? जो आई ने मुझे कहा मैंने वैसा ही किया है। अरे फिर तुमने उनकी बातों पर यकीन क्यों किया, विश्वास किया उनकी बातों पर क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, बता था ना मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन उनके सामने भीख नहीं मांगूंगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे भाई ने मुझे चोर कहा था, चोर। हो सकता है मैं शायद गलत था उस वक्त, लेकिन आज मैं सही राह पर चलना चाहता हूँ।
तो मुझे भिखारी की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है? क्यों? अगर तुम्हारे दादा ने वादा ना किया होता तो हम शर्मिंदा ना होते, मेरी आई पी इज्जत ना होती। तुम्हें शायद तुम्हारी सास की इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मेरी आई की इज्जत की परवाह है। मानो को मैं इसका करारा जवाब दूंगा, याद रखना। लेकिन इसमें दादा की क्या गलती है? दादा तो पैसे देने को तैयार थे, वो तो बस वही ने क्या। बेटी को यहाँ से नहीं ले जाना चाहती है तो आप समझ लीजिएगा आपकी बेटी है ही नहीं।